सो फाइनली दोस्तों, आप लोग देखोगे अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं भाई इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और उसका इम्पैक्ट हमें कैसा देखने को मिलने वाला है इसके शेयर के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं इसको लेकर, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा है। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम या फिर टोटल रिवेन्यू जो हमें देखने को मिल रहा है भाई, वो है 23,196 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में 26,066 करोड़ था। और प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे लगभग 20,094 करोड़ की इनकम थी। यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसके इनकम में हमें जो ना अभी जंप देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसकी इनकम टूटी है भाई, ठीक है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके जो एक्सपेंस है वो, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए भी, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस है वो है लगभग 20,787 करोड़ के, जो प्रीवियस में क्या थे भी 23,831 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थे भी एक्सपेंस 19,215 करोड़ के। यानी कि देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस में जंप है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस इसके कम रहे हैं अभी। तो अब की बार जो इसकी एक्सपेंसेस है ना भाई, वो आप लोग देखोगे रिवेन्यू से फिर कम है, मतलब कि कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया अभी। तो प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ से आप लोग कंपेयर करोगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अब की बार जो नेट प्रॉफिट रहा अभी वो है 1,989 करोड़ का, जो प्रीवियस में 1,772 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 333 करोड़ का। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स में जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिल रहा है भाई, जो कि एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है इसके प्राइस को लेकर। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि जो ईपीएस देखने को मिला है 14.87 रुपये, जो प्रीवियस में क्या था भी लगभग 12.33 रुपये, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आपको ये देखने को मिल रहा है लगभग 2 रुपये। तो प्रीवियस क्वार्टर से और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इसके ईपीएस में भी जंप आया भाई। इसके अलावा एसेट्स वगैरह यहाँ पर आप लोग देखोगे, एसेट्स तो इसके पीछे के मुकाबले आप लोग देखोगे इंक्रीज हुई है। एंड बोरोइंग की बात करें भी, कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कंपनी ने कम किया है फिर इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहा है अभी, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी दोनों जगहों पर जो डेट है वो इसका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी और क्या कुछ अपडेट है, ये नोट्स आप लोग पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ड्यूरिंग दी क्वार्टर और क्या कुछ हमें देखने को मिला है। वैसे इसके अलावा तो कोई और अपडेट नहीं है अभी खास इसके अंदर, और बाकी नोट्स पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है इसकी। यहाँ पर आप लोग देखो डेट इक्विटी रेशो तो इंक्रीज हुआ अभी डेट तो इसका, ठीक है। इसके अलावा मार्जिन हम चेक करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें भाई, तो ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं, जो कि पॉजिटिव संकेत है। इसके साथ ही आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुए हैं, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो इसके मार्जिन में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो ये टोटल रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।